दोस्तों 99% लोग शॉर्ट वीडियो अपलोड करने के समय एक छोटी सी मिस्टेक करता है एंड इसी छोटी मिस्टेक की वजह से उनका वीडियोस वायरल नहीं होता है, उनका चैनल ग्रो नहीं होता है। सालों साल मेहनत करता है फिर भी उनका वीडियो यहाँ पे वायरल नहीं होता है। देखो यार, जब से मैंने ये वाला गलती मैंने सुधारा अपने ब्लॉग चैनल के अंदर, तब से मेरा ब्लॉग चैनल गाइस यहाँ पे रॉकेट की जैसा ग्रो होना शुरू हो गया। ये तो आपको पता है, मतलब 2 महीने के अंदर मैंने यहाँ पे 8 लाख यहाँ पे 8.5 लाख सब्सक्राइबर यहाँ पे मैंने इकट्ठा कर लिया, क्योंकि मुझे गलती पता चल चुका है। देखो यार, एक छोटी से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप रास्ता से जा रहे हो, ठीक है, आपके सामने यहाँ पे एक पत्थर है और आपने यहाँ पे ठोकर खा गया, तो नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे पता है? नेक्स्ट टाइम आप यहाँ पे ठोकर नहीं खाओगे, आप इस साइड से चला जाओगे। तो इसीलिए बोलता है गलती को आप लोग पकड़ो या फिर गलती को आप लोग सुधारो। एंड यही तो आपको पता नहीं कौन सा गलती आप करते हो वीडियो अपलोड करने के समय। तो इसीलिए गाइस मैं आपको बार बार बोलूंगा, इस वीडियो को आप लोग स्किप मत करना। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कैसे एक शॉर्ट वीडियो को प्रोफेशनल तरीके से अपलोड किया जाता है एंड मैं खुद कैसे अपने शॉर्ट वीडियो को अपलोड करता हूँ आज मैं आपको बताऊंगा एकदम लाइव प्रूफ। तो अगर आपको सीखना है कैसे शॉर्ट वीडियो को प्रोफेशनल तरीके से अपलोड करना होता है एंड वीडियो को कैसे यहाँ पे वायरल करना होता है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा। देखो यार, एक चीज मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, देखो यार मैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको कोई भी ट्रिक्स ब्रिक्स नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि यार ट्रिक्स ब्रिक्स होता ही नहीं है। लेकिन आप छोटी सी वगैरह ये सब गलती करते हो, इसी गलती की वजह से आपका वीडियो आगे नहीं जाता है, आपका वीडियो वायरल नहीं होता है। इसीलिए आपका भाई आप लोगों को बताने आया कौन सा गलती है और आपको नहीं करना है और आपको कहां से वीडियो को अपलोड करना है, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे यूट्यूब को ओपन कर लूंगा एंड मैं कैसे अपने शॉर्ट वीडियो को अपलोड करता हूँ वो मैं आपको सिखाऊंगा एंड आप लोग कौन सा गलती करते हो वो गलती मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। देखो यार क्या होता है, यहाँ पे मैक्सिमम लोग क्या करता है, नीचे प्लस वाला आइकन होता है इसके ऊपर क्लिक करता है। करने के बाद यहाँ पे लिखा है क्रिएट ए शॉर्ट्स, यहाँ पे लिखा है, नीचे लिखा है अपलोड ए वीडियोस। मैक्सिमम लोग मुझे पूछते रहता है भाई आप अपने वीडियो कहाँ से अपलोड करते हो, क्रिएट ए शॉर्ट्स से या फिर अपलोड ए वीडियोस से, क्योंकि बड़े बड़े टेक क्रिएटर यहाँ पे बोलता है आप लोग यहाँ पे क्रिएट ए शॉर्ट्स से वीडियो अपलोड करूँ। लेकिन मैं आपको बोलूंगा अगर आप यहाँ पे शॉर्ट्स से अपलोड करोगे तो भाई आपका वीडियो का क्वालिटी 100% खराब होगा। क्यों मैं आपको बताता हूँ, देखो यार यहाँ पे लिखा है गाइस, देखो क्रिएट ए शॉर्ट और यहाँ पे लिखा है अपलोड ए वीडियोस, ठीक है। यहाँ से मतलब वीडियोस अपलोड कर सकते हो, यहाँ पे आप लोग शॉर्ट्स बना सकते हो। यहाँ पे शॉर्ट बनाने के लिए नहीं आया, आप यहाँ पे शॉर्ट को अपलोड करने के लिए आया, ठीक है। यूट्यूब ये जो बोलता है यहाँ पे जो लिखा है अपलोड ए वीडियोस, यहाँ से अपलोड करो। जब से मैंने ये वाला गलती मैंने सुधारा तब से गाइस मेरा वीडियो वायरल होना शुरू हो गया। क्यों, अभी मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। देखो यार यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे लिखा है क्रिएट ए शॉर्ट, मतलब आप लोग यहाँ पे शॉर्ट बना सकते हो। यहाँ से अगर आप करोगे अपलोड वीडियो को शॉर्ट्स को, ठीक है, अगर आप यहाँ पे क्रिएट ए शॉर्ट से वीडियो को अपलोड करोगे शॉर्ट्स को, मिनी ब्लॉग को, जो भी हो, तो आपका वीडियो का FPS ड्रॉप हो जाएगा 100%। इसलिए यूट्यूब खुद बोलता है आप अपलोड वीडियो से अपलोड करो, क्योंकि ये वीडियो अपलोड करने का यहाँ पे सेक्शन है। एंड जब से मैंने ये को सुधारा तब से गाइज मेरा यहाँ पे वीडियो वायरल होना शुरू हो गया। क्योंकि गाइज देखो, अगर आप यहाँ पे अपलोड वीडियो से वीडियो को अपलोड करोगे शॉर्ट्स को, किसी भी शॉर्ट्स को, तो उसका FPS ड्रॉप नहीं होगा, उसका क्वालिटी खराब नहीं होगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा भाई, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे अपलोड है वीडियो से यहाँ पे अपलोड करो। बड़े बड़े क्रिएटर बोलता है भाई क्रिएट ए शॉर्ट से यहाँ पे अपलोड करो, ये से करो, तो आप लोग मत करो यार, आप लोग यहाँ पे अपलोड है वीडियो से करो, ठीक है। तो अभी मैं आपको सिखाता हूँ कैसे आप लोग यहाँ पे अपलोड कर सकते हो प्रोफेशनल तरीके से, ठीक है। गलती मैं आपको बता दिया, ये गलती आप लोग आज से करना बंद कर दो। करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा अपलोड है वीडियो के अंदर। तो अभी मैं आपको तरीके बताऊंगा कैसे आप लोग शॉर्ट वीडियो को प्रोफेशनल तरीके से अपलोड कर सकते हो एंड मैं कैसे करता हूँ वही मैं आपको बताऊंगा। बड़े बड़े क्रिएटर का यहाँ पे कॉपी करके नहीं बताऊंगा भाई, मैं खुद यहाँ पे एनालाइज करता हूँ, खुद मैंने यहाँ पे रिजल्ट निकालता हूँ, उसके बाद ही मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे किसी भी एक ब्लॉक को यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ मेरा यह वीडियो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। तो सिलेक्ट करने के बाद अभी आपको क्या करना होगा, नीचे नेक्स्ट की बटन, हाँ यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दो, एकदम सिंपल सा चीज़ आपको बताए। देन आपको यहाँ पे फिर से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होगा, ये तो आपको बेसिक का चीज़ आपको पता है, लेकिन यहाँ पे आपको कैसे अपलोड करना है ये मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपको ऊपर एक पेंसिल का आइकन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। आपको शॉर्ट वीडियो के अंदर थंबनेल लगाना होगा, थंबनेल अगर शॉर्ट वीडियो के अंदर नहीं लगाओगे तो यार आपका शॉर्ट्स वीडियो यहाँ पे वायरल नहीं होगा। जैसे मेरे मिनी ब्लॉग के अंदर मैंने यहाँ पे क्या किया था, मेरा जो वीडियो के अंदर 31 मिलियन व्यूज आया था उसके अंदर मैंने आईफोन का थंबनेल लगाया था, कैसे, यहाँ से ही। तो आपको यहाँ पे क्लिक बेट जो होगा, ठीक है, आपका वीडियो के अंदर
उस क्लिकबेट चीजों को आपको यहाँ पे लगाना होगा। ठीक है, थंबनेल मैंने यहाँ पे लगाया क्लिकबेट, यहाँ पे मैंने जस्ट बताने के लिए मैंने यहाँ पे जस्ट एक को लगा दिया। ठीक है, तो आप लोग क्लिकबेट थंबनेल आप लोग बना के वीडियो के अंदर अटैच कर दो एक दो सेकंड के लिए, उसके बाद आप लोग यहाँ से जाके उसको सिलेक्ट कर लो। एक नंबर क्लिकबेट आपको करना होगा थंबनेल के अंदर। दूसरी आपको क्या करना होगा, यहाँ पे कैप्शन लिखा है, ठीक है, शॉर्ट्स का कैप्शन आपको टाइटल लिखना होगा। एंड इस टाइटल के अंदर लोग क्या करता है भाई, कचरा भर देता है यार, कचरा मतलब यार पूरा उसका जो वीडियोस होता है उसका भाई टाइटल ही लिख देता है, भाई आज हम यहाँ पे गया था या ये हुआ था भाई। ये आपको गलती नहीं करना होगा, आप जो वीडियो अपलोड कर रहे हो वो शॉर्ट्स वीडियो, शॉर्ट्स बात आप लोग ध्यान से रखना, शॉर्ट वीडियो है तो आपको हमेशा टाइटल को शॉर्ट रखना होगा। ठीक है, बड़े मत रखना, ये गलती आप लोग यार सुधार लो, क्योंकि यार देखो यार मेरे जो मान लो ये वीडियो है, ठीक है, मेरे साथ पोपट हो गया, बस यहाँ पे मैंने छोटी सी टाइटल लिखा, देन इसके बाद यहाँ पे इमोजी वगैरह यहाँ पे लगा दूंगा एग्जाम्पल के लिए, ओके लगा दिया मैंने। उसके बाद गाइज अगर आप यहाँ पे कुछ हैशटैग लगाओगे तो भाई अच्छा होगा, जैसे मैंने यहाँ पे लगाता हूँ मिनी ब्लॉग ब्लॉग्स, दो लगाता हूँ यहाँ पे टैग्स, ठीक है हैशटैग। और लोग क्या करता है भाई, मैक्सिमम लोग यहाँ पे पूरा भाई खानदान यहाँ पे भर देता है भाई, हैशटैग शॉर्ट, हैशटैग मिनी शॉर्ट्स, हैशटैग माने वायरल, हैशटैग ट्रेंडिंग, मतलब पूरा चीज यहाँ पे भर देता है। तो आपको ये गलती नहीं करना है, आपको यहाँ पे जस्ट यहाँ पे आपका जो वीडियो होगा उसका हिसाब से आपको दो तीन यहाँ पे आपको हैशटैग यूज करना होगा। अगर नहीं भी यूज करोगे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, अगर नहीं यूज करोगे तो गाइस आपका जो टाइटल होगा वो पूरा एकदम बंदे का आंखों में चमकते लगेगा। यार देखो किसी के पास अगर शॉर्ट वीडियो चला गया तो जस्ट वो टाइटल को देखेगा, यार देखो एकदम पूरा साफ साफ लिखा है मेरे साथ पोपट हो गया बस, और कुछ नहीं लिखा है, पूरा साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो अगर आप यहाँ पे करोगे पूरा खानदान लिख दोगे तो यार कैसे चलेगा यार बताओ, ये गलती आपको नहीं करना है। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे हमेशा मेरे जो जितना सारा ब्लॉग होता है, ठीक है, जितना भी सारा शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड करता हूँ उसके अंदर मैं जस्ट दो ही यहाँ पे हैशटैग यूज करता हूँ, मिनी ब्लॉग ब्लॉग, एंड सारे के सारे जो हैशटैग होता है बाकी जो खानदान जो होता है उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने से भी गाइस आपका वीडियो हैशटैग में जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग हमेशा याद रखना, टाइटल के अंदर आप लोग शॉर्ट टाइटल लगाओ एंड हैशटैग मत लगाओ ज़्यादा, एक दो लगाओ ठीक है बस, और नहीं लगाओ ओके। तो उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, वीडियोस को आपको यहाँ पे अनलिस्ट पे यहाँ पे क्लिक करके, अनलिस्टेड पे क्लिक करके देन दोस्तों आपको क्या करना होगा, नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट ऑडियंस, ठीक है सिलेक्ट ऑडियंस, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करके आपको यहाँ पे नो पे क्लिक करना होगा। अगर आपका वीडियो किड्स का नहीं है तो आपको नो करना है, अगर ईएस है तो आप लोग यहाँ पे ईएस को सिलेक्ट कर दो, यहाँ पे मैंने सब कुछ मैं आपको बता दिया। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा कमेंट सेक्शन के अंदर, ओके कमेंट सेक्शन यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, इसके ऊपर क्लिक करके आप लोग इसको डिसेबल कर दो। ठीक है, डिसेबल कर दो, करने के बाद यहाँ पे प्रॉपर्टीज आप लोगों ने यहाँ पे कर लिया, शॉर्ट वीडियो का सारे चीज सेटिंग्स वगैरह जो भी ये कर लिया, करने के बाद यहाँ पे अपलोड शॉर्ट के ऊपर क्लिक कर दो। ठीक है, तो ऐसे करके मैं क्या करता हूँ अपने शॉर्ट वीडियो को अपलोड करता हूँ अपलोड वीडियो से। एंड दोस्तों और भी जो चीज़ होता है वो मैं कहाँ से करता हूँ वो चीज़ अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरा शॉर्ट वीडियो यहाँ पे अपलोड हो रहा है, तब तक मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो यार अगर आज की वीडियो अगर आपने देख लिया सच में यार आपका शॉर्ट वीडियो वायरल जरूर से होगा, क्योंकि यार देखो अपलोडिंग के समय अगर तुम कुछ गलती करते हो यार आपका शॉर्ट वीडियो यार YouTube कैसे उनका फीड मतलब शॉर्ट फीड के अंदर भेजेगा ये आप खुद ही समझो यार। तो आपको हमेशा अपलोड शॉर्ट से अपलोड करना है, YouTube खुद बोलता है अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो जाओ यार YouTube का जो यहाँ पे ऑफिशियल चैनल है वहाँ पे जाके देखो, एक वीडियो अपलोड हुआ है, साफ साफ उन्होंने बताया आप लोग शॉर्ट वीडियो अपलोड करो अपलोड वीडियो से। ओके, तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से देखो यहाँ पे अपलोड कर दिया। तो अभी आपको आना होगा यहाँ पे YT स्टूडियो के अंदर, YT स्टूडियो के अंदर आने के बाद उसे शॉर्ट्स को यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे मैंने क्लिक कर लिया, यानी यहाँ पे पेंसिल का आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा, अगर आप वहाँ पे पब्लिक कर दोगे तो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स यहाँ पे लगाने का ऑप्शंस नहीं मिलेगा मेरे जान, आपको यहाँ पे YT स्टूडियो से डिस्क्रिप्शन लगाना होगा। ओके, तो यहाँ पे आप लोग क्या करो, टाइटल लगाओ, मतलब जो भी खानदान है भाई आप लोग जो लगाना चाहते थे यार टाइटल के अंदर, सारे खानदान को आप लोग भर दो डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, शॉर्ट मिली ब्लॉग वायरल ट्रेंड बेंड जो भी हो आप लोग यहाँ पे लगा दो। ठीक है, माल मसला जो भी है लगा दो वीडियो के अंदर, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स इसीलिए देता है। ठीक है, तो यहाँ पे लगाने के बाद उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, मोर ऑप्शन के ऊपर जाके आपको यहाँ पे जो लिखा है यहाँ पे लिखा है देखो शो हाउ मैनी व्यूअर्स लाइक दिस वीडियोस। ठीक है, तो आपको इसको यहाँ पे अनटिक करना होगा, अनटिक करने के बाद आपको यहाँ पे जाना होगा एड टैग्स के ऊपर,
टैग्स आपको यूज करना होगा, ठीक है। जैसे गाइस आप लोग यहाँ पे देखो मेरी जो शॉर्ट्स वीडियो होता है उसके अंदर देखो मैंने कैसे यहाँ पे टैग्स यूज करता हूँ, कौन सा आप लोग यहाँ पे देख लो, आपका जो भी वीडियोस होगा उसका हिसाब से आप लोग क्या करो यहाँ पे टैग्स को यूज करो, ठीक है। क्योंकि दोस्तों देखो शॉर्ट ऐसा नहीं शॉर्ट फीड से यूज आता है, ऐसा नहीं, शॉर्ट वीडियो गाइस यहाँ पे सर्चेबल से आता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे टैग्स को यूज करना होगा, तो वो सब मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, एकदम बच्चों का खेल होता है। आपका वीडियो जो भी टॉपिक का है आप लोग यहाँ पे लिखो, जैसे मेरा मिनी ब्लॉग ऐसे ऐसे मैंने टैग्स लगाता हूँ मेरा वीडियो के अंदर जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो। तो लगाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना होगा, विजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करके, पब्लिक के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना होगा। अपलोड तो हो गया, लेकिन यहाँ पे आपको और एक चीज बता देता हूँ। देखो यार मैक्सिमम लोग क्या करता है भाई, जब भी उसका वीडियो रेडी हो जाता है, मतलब यार मेरा वीडियो तो अभी रेडी हो गया, चलो यार अपलोड कर देता हूँ, व्यूज आ जाएगा, ऐसा 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 गलती आपको नहीं करना है। आपको शॉर्ट वीडियो हमेशा एक टाइम पे अपलोड करना होगा, टाइम टेबल आपको फिक्स करना होगा, ठीक है। एंड मैंने खुद अपने चैनल के अंदर दो तीन ऐसे गड़बड़ी किया था मेरे ब्लॉग चैनल के अंदर, इसीलिए भाई दो तीन वीडियो मेरे डाउन गया था, टाइम मैंने उल्टा पुल्टा किया था। एक दिन मैंने सुबह, दूसरा दिन मैंने यहाँ पे शाम, दूसरा दिन रात, ऐसे करके मैंने ट्राई किया था जस्ट यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए। भाई मुझे रिजल्ट मिल ही चुका था, बताइए भाई व्यूज ही नहीं आ रहा था। उसके बाद मैंने जब से क्या किया गाइस, मेरा जो वीडियोस होता है 7:30 बजे फिर से अपलोड करना शुरू कर दिया, मेरा वीडियोस वायरल होना शुरू हो गया। तो आपको सारे चीज यहाँ पे आपको यहाँ पे लेकर चलना होगा मेरे जान, उसके बाद आपका वीडियोस वायरल होगा। ऐसा नहीं भाई आप लोग बना के जस्ट अपलोड कर दो वायरल हो जाएगा, ऐसा नहीं। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपलोड करना है अपलोडेड वीडियोस से, एंड सारे सेटिंग्स जो आपको मैं बताया वो आपको यूज करना होगा, ठीक है, शॉर्ट वीडियो अपलोड करने के समय। उसके बाद आपका वीडियोस प्रोफेशनल तरीके से अपलोड होगा, शॉर्ट फीड में यूट्यूब भेजेगा अपने शॉर्ट्स को, वायरल होगा, सब कुछ होगा, टैग्स बैग सब कुछ यूज करना। जो मैं खुद करता हूँ गाइस वो मैं आपको बताया, ना ही दूसरों का कॉपी करके मैंने आपको बताया, ठीक है। मैं जो यूज करता हूँ मेरे वीडियोस के अंदर अपलोड करने के समय सब कुछ मैं आपको बता दिया। सो आई होप गाइस आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, एंड ऐसे इन्फॉर्मेटिव जेन्युइन वीडियो पाने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जय हिंद जय भारत एंड वंदे मातरम।